आज डिस्कस करेंगे ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में। ट्रिपल टी डायग्राम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम क्या होती है, इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं, आपके पास कोई मटेरियल है और आप इसको गर्म करते हैं, वो तो हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे आपने इसको गर्म किया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया T1, यहाँ पे कितना था T0। इसको आपने हीट दी, इस मटेरियल को, मान लीजिए स्टील है या आयरन है, आपने इसको हीट दी और ये गर्म हो गया T1 टेम्परेचर तक। फिर हमने इसको ठंडा कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा कर लिया। तो बीच में मान लीजिए कोई टेम्परेचर है, कोई भी लगा लीजिए T2 टेम्परेचर है, वहाँ पे हमने इसको, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, हमने इसको गर्म किया और फिर हमने 600 डिग्री सेल्सियस पे लाके इसको ठंडा किया आराम आराम से और इसको यहाँ पे रोक दिया, मान लीजिए 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड। तो 10-15 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए जो रिक्वायरमेंट टाइम था हमने रोक दिया, उसके बाद फिर से इसको ठंडा कर दिया। तो अब क्या होगा, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, किसी मटेरियल को, और फिर उसको ठंडा करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, और उस पर कुछ टाइम के लिए उसको रखा, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट हो जाती हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट होने लगता है और वो चेंज होने लगता है। तो अगर हमें कोई प्रॉपर्टी इम्पार्ट करनी है किसी मटेरियल के अंदर, उसके अंदर स्ट्रेसेस उसके रिलीव करने हैं, उसके अंदर से हमें कोई जो स्ट्रक्चर इम्पार्ट करना है जिससे उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो सके, तो हम ये प्रोसेस करते हैं टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन की। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसको ठंडा करते हैं, थोड़ा जो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उस पर रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज़ करते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज मिलता है हमें, प्रॉपर्टीज़ में चेंज मिलता है। तो ये है ट्रिपल टी डायग्राम, जो उसका बेसिक आइडिया है ये है कि हमें क्या करना है। अगर हम किसी चीज़ को कूलिंग रेट को अलग अलग तरह से ठंडा करें, तब भी हमें अलग अलग स्ट्रक्चर मिलता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। तो इसके अंदर हम लेते हैं आस्टेनाइट, जिसको हम गामा आयरन में बोलते हैं। तो आस्टेनाइट को जब हम ठंडा करते हैं, तो अगर हम उसको अलग अलग तरीके से ठंडा करें, तो हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि उसके अंदर आ चुकी हैं जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो मान लीजिए हम आस्टेनाइट को अगर सीधा वाटर के अंदर ठंडा गर्म करने के बाद उसको डायरेक्टली वाटर के अंदर क्वेंच कर देते हैं। क्वेंच मतलब एक वाटर का बाथ है, यहाँ वाटर है, यह कोई सैंपल है जिसको हमने गर्म किया और एकदम से इसको पानी के अंदर डुबो दिया, तो उसको क्वेंचिंग बोलते हैं। तो अगर हम आस्टेनाइट को डायरेक्टली मार्टेनसाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसको वाटर क्वेंच कर देते हैं, पानी के अंदर गिरा के ठंडा कर देते हैं, तो उससे वो मार्टेनसाइट उसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम उसको ऑयल क्वेंच करें कि इस पानी की जगह हम ऑयल लें, तो ऑयल में उसको आहिस्ता आहिस्ता से ठंडा करें, तो हमारा वेरी फाइन पियरलाइट स्ट्रक्चर हमें मिलता है। इसी तरह से अगर हम इसको ना पानी में और ना ऑयल में इसको ठंडा करें, अगर एयर के अंदर ठंडा करें, हवा से ठंडा करें, तो हमें मिलता है फाइन पियरलाइट स्ट्रक्चर। और इसी तरह से अगर हम उसको गर्म करने के बाद किसी फर्नेस के अंदर, फर्नेस में ही छोड़ दें और वहीं पे वो ठंडा हो, तो वो हमें मिलता है कोर्स पियरलाइट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से अलग अलग अगर हम ठंडा करें किसी चीज़ को, तो उसकी हार्डनेस प्रॉपर्टी में फ़र्क आता है, बदलाव आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि उसके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जब हमने उसको कूलिंग रेट उसका चेंज कर दिया। तो इसी तरह से अगर हम टाइम को भी चेंज कर दें, कि जैसे जैसे हमने ये किया वाटर क्वेंच एकदम से ठंडा कर दिया, इसी तरह से हम कुछ टाइम के लिए उसको रख दें और फिर ठंडा करें, तो वो क्या होगा, उसके अंदर प्रॉपर्टीज इम्पार्ट होती चली जाएंगी। तो इसको हम हीट ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। किसी भी जो मेटल का या किसी भी चीज़ का अगर हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, स्ट्रेसेस उसके बाहर निकालते हैं, स्ट्रेसेस रिलीव करते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी इम्पार्ट करते हैं। तो ट्रिपल टी डायग्राम इसी का एक बेसिक है। अब देखिए यहाँ पे हमने आस्टेनाइट को, जो स्टेबल आस्टेनाइट है वो 723 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, तो हमने उसको ठंडा करना स्टार्ट कर दिया। अब जो इसको हम सी कर्व भी कहते हैं, एस कर्व भी कहते हैं, उसको बेन कर्व भी बोला जाता है। तो हमने क्या किया, बहुत सारे सैंपल ले लिए स्टील के, इस तरह से हमने बहुत सारे सैंपल ले लिए।
अब हमने इनको अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म कर लिया, इसको T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4, इसको T5। इस तरह से बहुत सारे स्टील के सैंपल हमने ले लिए और उनको अलग अलग टेम्परेचर पे हमने गर्म किया और उनको अलग अलग टेम्परेचर पे ठंडा किया कुछ टाइम के लिए। मान लीजिए कोई हमने यहाँ पे T1 लिया, तो हमने अस्टेनाइट को जो हमारा ये स्टील का सैंपल था इसको गर्म किया T1 तक और उसको कुछ टाइम के लिए, जैसे यहाँ पे हमारा है टाइम, इस पे टाइम है जो कि सेकंड दिखाता है और यहाँ पे है टेम्परेचर जो वर्टिकल एक्सिस है। तो हमने इतने टेम्परेचर तक इसको गर्म किया और कुछ टाइम के लिए रख दिया, मीन्स हमने इतने टाइम के लिए इसको रख दिया जितना ये टाइम है, कुछ भी आप टाइम ले सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई। तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये है स्टार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्टार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हुई तो इसको हम बोलेंगे एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि यहाँ पे एंड हुआ। तो इसी तरह से इसके अंदर यहाँ पे एस्टेनाइट था और यहाँ पे जो चीज़ बनेगी वो उसका स्ट्रक्चरल चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर हम हाइयर टेम्परेचर पे हम गर्म करते हैं 723 से बिल्कुल नीचे, तो यहाँ पे हमें मिलता है कोर्स पियरलाइट, कोर्स पियरलाइट, पियरलाइट। इसी तरह से कोई दूसरा सैंपल लेते हैं और हम उसको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रखते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है फाइन पियरलाइट, फाइन पियरलाइट स्ट्रक्चर। इसी तरह से कोई और सैंपल लेते हैं और उसको इस टेम्परेचर पे हम गर्म करते हैं और उसको उस पर थोड़ी देर के लिए रखते हैं कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पे हमें मिलता है अपर बेनाइट, तो ये बेनाइट रीजन होता है, अपर बेनाइट। इसी तरह से कोई और सैंपल लेते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं इसी टेम्परेचर पे, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको बोलते हैं क्योंकि सेम टेम्परेचर पे हम इसको लगभग रखते हैं जितने टाइम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमारा बनता है लोअर बेनाइट, लोअर बेनाइट। तो हमने देखा कि अलग अलग सैंपल को हमने, है सैंपल सिर्फ स्टील का ही, लेकिन हमने अलग अलग टेम्परेचर पे उसको अलग अलग टाइमिंग के लिए रखा तो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर मिले। तो अगर ये जो सबसे नीचे वाला रीजन होता है लगभग 300 से नीचे, 250 से नीचे और 100 से थोड़ा सा नीचे, ये मार्टेनसाइट रीजन होता है, यहाँ पे सारा मार्टेनसाइट हमें मिलता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है। तो इस तरह से ये जो ट्रिपल टी डायग्राम इन सैंपल के बहुत सारे पॉइंट से लेकर बना है, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग टाइम पे। अब हम कुछ भी निकालना चाहते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कोई मेरे पास सैंपल है, हम उसको 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं इतने 10 सेकंड के लिए, तो मान लीजिए ये आ जाता है यहाँ तक, और फिर हम उसको डायरेक्टली ठंडा कर देते हैं, मीन्स पानी में क्वेंच कर देते हैं, तो ये हमारा ग्राफ आएगा कि हमें क्या मिला। यहाँ पे हमें जब हमने इसको गर्म किया इतने टाइम के लिए, ये 5-7 सेकंड जितने भी हमने गर्म किया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, देखिए यहाँ पे एस्टेनाइट था और यहाँ पे पियरलाइट रीजन है, तो बीच में क्या है, बिल्कुल इसके एस्टेनाइट प्लस पियरलाइट, मीन्स 50% एस्टेनाइट और 50% पियरलाइट, तो हमें दोनों आधी आधी मिली। इसी तरह से अगर हम इसी टेम्परेचर पे इसको कुछ और टाइम के लिए रखते तो हमें ये मिलता, मीन्स यहाँ पे फाइन पियरलाइट का रीजन हमें मिलता। इसी तरह से हाइयर रीजन पे जाते तो हम इसको रखते, मान लीजिए इतने टाइम तक रखते, तो हमें क्या मिलता, ये कोर्स पियरलाइट मिलता। तो ये सी जो डायग्राम है या ट्रिपल टी डायग्राम है, ट्रांसफॉर्मेशन को मेनली दिखाता है अकॉर्डिंग टू टाइम, जो जो स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं हमारे मटेरियल के अंदर, जितने टाइम के लिए हम उसको रखते हैं, कितने टेम्परेचर पे रखते हैं, तो वो उसकी हार्डनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो ये ट्रिपल टी डायग्राम का एक बेसिक आइडिया है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।